इस वीडियो में आप अलग अलग देशों के परंपराओं के बारे में जानोगे, जैसे कहीं पे दरवाजे पे प्याज टांगना, अंगूरे खाना और गायों से बातें करना। सो इस वीडियो में आप ऐसे ही गजब के फैक्ट्स के बारे में जानोगे जिससे आपके मुंह से निकलेगा वाओ मैन वाओ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और पास में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्टेड। ग्रीस ग्रीस में नए साल के अवसर पर क्या किया जाता है कि दरवाज़े पर प्याज टांगा जाता है। इस नए साल के जन्म का प्रतीक मानते हैं, और यहाँ के जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के सर पर प्याज रख के उन्हें जगाते हैं। कोलंबिया कोलंबिया एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग बेहतर भविष्य के लिए नए साल के दिन यानी कि 1 तारीख या 31 तारीख को ही वो सूटकेस लेकर बाहर घूमते नज़र आएंगे तुम्हें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो पूरे साल मज़े से घूम सकते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा थाईलैंड। क्या आपको पता है कि थाईलैंड में नए साल के अवसर पर लोग एक दूसरे को पानी और पाउडर फेंकते हैं। थाईलैंड वासी एक साथ होने का इसे एक त्यौहार मानते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से हम सालों भर साथ साथ इसी तरह मज़े कर सकेंगे। चिली सुनो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चिली में परिवार के जो लोग होते हैं वो रात में कब्रिस्तान में अपने बेहद किसी करीबी के साथ कब्र के साथ लिपट कर सोते हैं। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि वो ऐसा करके अपने करीबियों के प्रति प्यार जता रहे हैं और वह साल भर उनके साथ रह सकते हैं। सो स्कैरी। साइबेरिया साइबेरिया में नए साल के मौके पर बर्फ के पानी में लकड़ी के संदूक के साथ छलांग लगाने की परंपरा है। वह बर्फ में करीब आधे घंटे तक अंदर रहते हैं। आयरलैंड आयरलैंड में इस दिन बहुत अजीबोगरीब परंपरा होती है। न्यू ईयर वाले दिन लोग अपने दीवारों पर ब्रेड फेंकते हैं। माना जाता है कि वह ब्रेड फेंक कर अपने से बुराइयों को दूर कर सकेंगे। बड़ी अजीब परंपरा है। एस्तोनिया एस्तोनिया में लोग नए साल के अवसर पर पारंपरिक भोजन खाने की परंपरा है। इस खास अवसर पर लोग पूरे दिन में करीब 7 बार खाना खाते हैं यहाँ के लोग। पनामा जो एक अमेरिका का शहर है, न्यू ईयर के दिन यहाँ पे लोग घर से बाहर निकलकर पुतला जलाते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं कि उनका मानना है कि पुतला जलाने से उनके अंदर की बुराइयाँ दूर हो जाएंगी। फिनलैंड फिनलैंड में नए साल के अवसर पर लोग टीन पिघलाकर एक बर्तन में डालते हैं, और उसके बाद जो भी आकार बनता है उसके अनुसार भविष्यवाणी करते हैं। इस बर्तन में एक टिन को पिघलाया गया है और उससे देखिए किस तरह से आकार बनाया जा रहा है। स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड में दिन में तो गिफ्ट देते हैं न्यू ईयर के दिन, पर न्यू ईयर की रात को लोग मशाल लेकर हाथों में रास्ते पर तुम्हें घूमते हुए नज़र आ जाएंगे। उनका मानना है कि ऐसा करके वो अपने बुराइयों को अपने से दूर भगा रहे हैं। साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका के लोग न्यू ईयर के दिन बहुत अजीबोगरीब परंपरा करते हैं। वह खिड़की से फर्नीचर्स को बाहर फेंकते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं कि उनका मानना है कि पुराने साल बीत जाने के साथ साथ पुराने फर्नीचर्स को भी बाहर फेंक देना चाहिए और नए साल आते ही नए फर्नीचर भी ले लेने चाहिए। डेनमार्क डेनमार्क में भी बहुत अजीब ट्रेडिशन है। इस दिन न्यू ईयर के दिन अपने फ्रेंड के घर जाकर लोग उनके दरवाजे पर प्लेटें तोड़ते हैं। ऐसा उनका मानना है कि इससे आपसी प्यार उनका बढ़ता है। अगर इंडिया आपको क्या लगता है, अगर इंडिया में इस तरह से फ्रेंड के घर जाकर हम प्लेटें तोड़ें तो क्या आपसी प्यार बढ़ेगा या फिर कुछ और? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। स्पेन स्पेन में लोग नए साल के दिन रात के 12 बजने पर घड़ी की हर घंटे के साथ 12 अंगूर खाने की परंपरा है। इनमें से हर एक अंगूर साल के एक महीने में गुड लक का सिंबल होता है, तो इस प्रकार यह ट्रेडिशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वह ट्रेडिशन बरसों से फॉलो करते आ रहे हैं और आज भी फॉलो कर रहे हैं। रोमानिया रोमानिया में न्यू ईयर के दिन यहाँ के वासी जो होते हैं वो भालू के कॉस्ट्यूम्स पहनकर सड़कों पर डांस करते हैं। वहाँ के यह परंपरा बहुत सालों से चलती आ रही है। वहाँ पर अजीबोगरीब पोशाक पहन के लोग सड़कों पर उतर आते हैं और डांस करते हैं, पर ये फेस्टिवल यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। वहाँ के छोटे शहर और गांव के जो किसान होते हैं
वह गाय से बात करने की कोशिश करते हैं और यदि वो उसमें सफल हो जाते हैं तो माना जाता है कि उनका वो पूरा साल बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छी फसल होगी। ये सब तो हो गई दूसरों देशों की बात, अब तुम बोलोगे यार अपने इंडिया के बारे में नहीं बताया, तो अब बात हम करते हैं इंडिया के बारे में। त्यौहार की बात हो और इंडिया का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इंडिया द सिटी ऑफ फेस्टिवल, यहाँ रंग रूप भाषाएं सब अलग अलग है लेकिन प्यार एक, और उसी प्यार के साथ हम इंडियन अलग अलग फेस्टिवल से नए नए साल का स्वागत करते हैं। कहीं महाराष्ट्र में ढोल के साथ ढोल बजाकर हम झूमते हैं तो कई जगह पर हम दीपक जलाकर उजाला करते हैं। कई जगह पर एक साथ मिलकर ज़िंदगी में दूसरों की ज़िंदगी में रंग भरते हैं तो कई जगह पर हम एक साथ मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। यूँ तो इंडिया में ढेरों फेस्टिवल्स हैं जिनके हम बात भी नहीं कर सकते। कहीं कहीं जगह पर कन्नड़ में पोशाक पहन के घूमते हैं तो कई महाराष्ट्र में ढोल वगैरह बजाते हैं, मंदिरों की पूजा करते हैं। तो इस तरह से इंडिया में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल है, मैं उनकी बातें करूँगा तो पूरा वीडियो 10 मिनट या 15 मिनट का बन जाएगा, सो मैं नहीं चाहता। तो इसी के साथ अलविदा। आप सबको मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।